अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिशान एक्सप्लोर्स। आज स्कर्दू ट्रिप पर हमारा चौथा दिन है और आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के सेकंड हाईएस्ट तरीन मैदान की, जो दियोसई नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और इसका टोटल एरिया जो है वो है 843 स्क्वायर किलोमीटर। अभी हम चिलम चेक पोस्ट पर हैं और यहाँ से सोशल लेक है 18 किलोमीटर, काला पानी 28 किलोमीटर, बरा पानी 38 किलोमीटर, शतुंग नाला 48 किलोमीटर, अली मालिक 58 और सतपारा चेक पोस्ट जो आएगी एंड पे 68 किलोमीटर है। ये पहली वाटर क्रॉसिंग है चिलम वाली साइड से और ऐसी कई वाटर क्रॉसिंग पार करनी पड़ती हैं ये दियोसई नेशनल पार्क गुजरते हुए। वो जो सामने आपको बर्फ वाला पहाड़ नज़र आ रहा है वो है बुर्जिल टॉप, जिधर से हम कल आए थे। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ऊपर लिंक है, ज़रूर चेक करें। और जो अब आप पीछे देख रहे हैं बर्फ़ वाला पहाड़ वो है नांगा पर्वत, जिधर हम इसे एक दिन पहले रोपल से आगे गए थे, उसका लिंक भी ऊपर है, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और ग्रीनरी चेक करें, ये भी ग्रीनरी उस जैसी ही है तकरीबन मिनीमर्ग जैसी, लेकिन मिनीमर्ग की क्या बात है, उसका जोर तो कोई भी नहीं है। अगर आप लोग अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं, दियोसई 4x4 नहीं आपके पास, तो चिलम वाली साइड से जाना बहुत आसान है, क्योंकि इधर से आप पहले ही हाइट पे होते हैं तो दियोसई इतनी हाइट नहीं चढ़नी पड़ती। बस ये जो इस टाइम आप देख रहे हैं ये कोई 2-3 मोर हैं, वो ऊपर भी कुछ लोग खड़े हैं, तो ये जो 2-3 मोर एंड पे जाके आते हैं, बस यहाँ पर गाड़ी को थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो इस टाइम मैंने भी अपने रूहान और मास को दोनों को उतार दिया हुआ, वो नीचे हैं। और ये देखें, ये एक भाई हमसे लिफ्ट मांग रहा है, ये बाइक से उतरे हुए हैं। मैं उसको खुद कह रहा हूँ कि भाई मैं तो अपने बच्चे नीचे उतार के आया हूँ, वो भी पैदल आ रहे हैं। असल में इन चढ़ाइयों पे जब आपकी गाड़ी का मोशन टूट जाता है, छोटी गाड़ियाँ में अभी 1300 cc है लेकिन 4x4 तो नहीं है, यहाँ पर कच्चे रस्ते में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मोशन नहीं तोड़ना, इसलिए स्पीड में चलानी पड़ती है। जहाँ पर ब्रेक लग गई वहाँ पर फिर गाड़ी दोबारा पिकअप पकड़ने में बड़ा टाइम लेती है, जिसमें क्लच प्लेटों का बड़ा नुकसान होता है, तो इसलिए फिर गाड़ी का जैसे मोशन बना हो तो उसे जाने दें। मैंने बड़ी देर से सोचा हुआ था कि जब हम यहाँ से एंटर होंगे तो ड्रोन का शॉट लेंगे, ताकि ये जो नज़ारा आता है ना नज़र, ये कमाल का नज़र आता है। मैं 2015 में भी आया था यहाँ पर, तो सुभान अल्लाह बेसाख्ता मुँह से आपके निकल जाता है जब आप ये नज़ारा देखती हैं। तो लेकिन अभी मैंने ड्रोन उड़ाया ही है, तो ये बंदा आप देख रहे होंगे मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। अभी तो ड्रोन को मैंने ट्रैक पे भी नहीं लगाया, ऑटो ट्रैक पे भी नहीं लगाना था, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा मेरे तक पहुंच जाता है और कहता है जी ड्रोन उतार दें, आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैंने आपको व्यू दिखाया और आगे भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। दियोसई का हाईएस्ट ट्रिन पॉइंट है 13,497 फुट। मैं बाइक ना झील के अंदर मैंने उतारी थी, मैं आपको दिखाऊंगा वो फुटेज जब मैं आया था ना, तो बाइक को हमने झील के अंदर उतारा था, आपको वो फुटेज भी चेक करवाऊंगा। हम सोशल लेक पे पहुंच गए हैं और खाने का ऑर्डर दिया, नाश्ता हमने किया नहीं हुआ था, तो कराई उसे का 1 किलो बना दे, 3,000 रुपये किलो एक कढ़ाई है यहाँ पे और 80 रुपये की एक रोटी है। खैर वो लोग भी मजबूर हैं इतनी दूर चीज़ें लाना और फिर उसके बाद उसको पकाना भी बड़ा काम है, यानी इतनी हाइट पे पकाना बहुत
मुश्किल काम है, टाइम लगता है। ये देखें सोशल लेक का नज़ारा करें। हमारा खाना बन चुका है और हमें वो आवाज़ आ गई है कि खाना रेडी है, तो खाना खाते हैं और फिर आगे देखते हैं, झील के पास जाएंगे। फिर अभी हम नीचे इसलिए नहीं उतरेंगे, फिर वापस ऊपर चलेंगे, तब खाना खा के तो फिर एक ही दफ़ा जाएंगे। खाना हमारा लग गया है कैंप के अंदर, हम उसने लगा दिया। ये देखें जी, ये खाई आ गई है। खाना खा लिया हमने, तो अब ये लोग मांस का दिल कर रहा है कि आगे ना दो झीलें हैं वो देखने चलें, लेकिन वो पैदल जाना पड़ना है तो मेरा मूड नहीं बन रहा। देखिए आप क्या करते हैं, फिलहाल नीचे झील पे तो चलते हैं, झील से तो होके तो फिर देखते हैं। बाकी मेरा मूड नहीं बन रहा, वो लोकल लोग कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो वो लोकल का 2.5 घंटे का रास्ता है, हमारे तो वो लग जाने हैं कोई 5-6 घंटे, तो फिर वापसी भी रात हो जाएगी और यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो मेरा मूड है कि आगे जाके बड़े पानी पे जाके देखें स्टे का। आवाम काफ़ी आई हुई है, जब हम आए थे तब इतना रश नहीं था, लेकिन अब काफ़ी आवाम आई है, लोकल लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे सैर करने। कोई एक स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ था ऊपर। ये पानी इस झील का भी बहुत साफ़ सुथरा है, नीचे हर चीज़ नज़र आती है और छोटी छोटी मछलियाँ हैं बीच में, अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो। ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि कुछ दोस्त मेरे सामने बैठ के भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी चैनल को करें और लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि मेरे भी चैनल की कुछ ग्रोथ हो सके। असल में देवसाई में दिखाने वाला रास्ता बहुत प्यारा है, अब वो रास्ता बहुत लंबा है तो वैसे ये टोटल 68 किलोमीटर एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट जाने तक का, लेकिन इसमें टाइम कोई 5-7 घंटे लग जाते हैं तकरीबन। ये थी जी सोशल लेक, अब यहाँ से हम निकलते हैं, आगे जाने की तैयारी करते हैं। काला पानी आएगा, फिर बड़ा पानी आएगा और बड़े पानी पे हम स्टे करने की ट्राई करेंगे, अगर कोई अच्छा चीज़ हमें मिल गई तो। ये बड़े प्यारे पत्थर के सोफे बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये देखें, और ये ऊपर भी बने हुए हैं। देखें हम भी इस पे ऊपर बैठते हैं और उनके आने का इंतज़ार करते हैं। ये है माज, वो रुहान साहब नीचे बैठे हुए हैं, झील में घुसने का उनको शौक़ था, अब शूज़ पहन के आ रहे हैं ऊपर।